हेलो दोस्तों, सिमर एसकेएस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बना रही हूँ सूट। मुझे सूट सिलाई करने के लिए आया हुआ, और मैं सूट भी स्टिच करने लगी हूँ। पहले नहीं करती थी, तो वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी अब क्यों करने लगी हूँ। पहले क्यों नहीं करती थी ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो ये मेरे कस्टमर है। ऐसे दोस्तों, मैं किसी का वीडियो शूट नहीं करती हूँ। वीडियो को मैं अपनी में नहीं लेती हूँ। अगर कोई, मैं पूछ लेती हूँ पहले, अगर आप मेरी वीडियो में आना चाहते हो तो मैं आपको लूँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, सभी बनाते हैं वीडियो आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे बोल रहे थे कि आप वीडियो डेली डालते हो। मैंने बोला अब तो मैं शॉर्ट्स भी नहीं डेली डाल पाती, तो वैसे ही मतलब मेरे उदासी सी लगी रहती है अंदर मन में, कभी कभी ऐसे हो जाता है मुझे। तो मैं पहले जैसा अब नहीं शूट करती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि आप शॉर्ट्स और वीडियो डेली डाला करो, तो भगवान आपको मतलब कामयाबी जरूर देगा, आप मेहनत कर रहे हो इतनी। तो बोल रहे थे कि हम आपके वीडियो देखते हैं, मेरे बच्चे भी आपके वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, ऐसे ही मेरे साथ प्यार बनाए रखना, और मेरी जो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, इसे हमने और बड़ा करना है। आप मुझे और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं पापा के टांग पे पट्टी करने आ गई हूँ, क्योंकि पापा के टांग पे ना जख्म हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले अपना काम छोड़ के पहले ये पापा का काम कर देती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। जख्म काफ़ी हो रखा है, डॉक्टर ने बोल रखा है कि जो बीटाडीन होती है ना, उससे अच्छे से इनकी मतलब पट्टी किया करो दवाई लगा के। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अब सूट सिलाई करने क्यों शुरू किया है, और पहले क्यों नहीं करती थी। पहले मैं सूट सिलाई इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मैं दुकान में अकेली होती थी। घर के सारे काम, सारी जिम्मेवारी, आप समझ सकते हो कितने काम होते हैं। तो एक दुकान संभाल ली, तो फिर पहले मैं इस वजह से नहीं सीती थी, सिलाई करती थी। तो फिर अब क्या है, मेरे पति अब उन्होंने, जैसे मैं आपको बताती थी ना, लड़कियों को कॉलेज वाली को छोड़ के छोड़ने जाते थे, तो आगे लुधियाना भी वो काम करने जाते थे ऑटो पे। अब वो लुधियाना नहीं जाते हैं, मतलब लड़कियों को छोड़ के फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर उनको जाना होता है 3 बजे के करीब लड़कियों को लेने के लिए, क्योंकि फिर अब मैंने, जैसे आपको पता है, मैंने पार्लर भी खोला है। तो मेरे साथ ऐसे होता था जब वो काम पे जाते थे, जब मैं पार्लर में होती थी तो वैसे ही मतलब इत्तेफाक से दूसरी साइड पे भी, किराने की साइड पे भी ग्राहक आ जाते थे, तो मुझे दिक्कत आती थी। तो मैंने इनको बताया, तो फिर इन्होंने भी सोचा कि हाँ ये बात तो है ना, भी मतलब टफ लगता था ऐसे तो, क्योंकि ग्राहक को वेट करना पड़ता था, चाहे पार्लर का है चाहे इधर किराने का है। तो इस वजह से फिर इन्होंने बाहर का काम भी छोड़ा, तो ये अब दुकान में बैठते हैं। तो बच्चे जो है कॉलेज वाले मतलब काफ़ी हो गए हैं, तो मतलब थोड़ा कमा लेंगे, ये बोलते थे कि मतलब मैं जाऊंगा नहीं, ऐसे दिक्कत आती है तुम्हें। तो दोस्तों, यहाँ पे पापा का शाम को ना बीपी चेक कर रही हूँ मैं। पापा का ऐसे लग रहा था कि बीपी लो सा है, पर बीपी लो नहीं था। जब पापा ने बताया कि शरीर भी टूट रहा है, तो मैंने सोचा चलो बुखार भी चेक करवाया, तो उनको बुखार था, 100 के करीब बुखार था। एक और बात दोस्तों आपके साथ मैं आज शेयर कर रही लगा लो हूँ। यूट्यूब चैनल पे इतना काम करना है, पर्सनली मैं बता रही हूँ, जो मुझे कईयों ने बोला है ऐसे, मेरे मतलब मुंह पे ये बातें कई बोल देते हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार हैं कोई भी है, कि इतना सारा काम करती हो कि मरना है क्या? मतलब घर के काम करने में क्या, कौन सा मरना होता है दोस्तों? ये तो मेहनत है, जब हम करेंगे तभी खाएंगे ना। तो ऐसे नहीं होता है कि हाँ, अगर आप नौकरी कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, क्या फिर आप नौकरी छोड़ दोगे क्या? कहीं उन्होंने तो मुझे ऐसा भी बोला कि यूट्यूब बंद करवाना चाहिए, ये है वो है, चाहे हंसी में बोला है, जैसे भी बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगी है ये बात, किसी ने भी बोली है। तो मतलब घर में काम करना और मेहनत यूट्यूब पे मेरी है, ये मेरा अपना खुशी से है जो मैं करती हूँ, ये मेरा काम है। तो
तो वैसे तो मेरा मन ऐसे हो गया है, नेगेटिविटी सी मन में रहती है अंदर से। तो आप लोगों को भी, मेरी यूट्यूब फैमिली को पता है कि मैं काफ़ी दिनों से शॉर्ट्स भी नहीं डाल रही, मुझे कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं मैं रेगुलर शॉर्ट्स नहीं डालती हूँ। तो पता नहीं क्यों अंदर से मन में मेरे नेगेटिविटी सी, तो ऐसे मेरा मन ही नहीं करता जब मैं आसपास की बातों पे ज़्यादा ध्यान चला जाता है मेरा। तो मैंने ना अब सारी उन बातों से ध्यान हटा के सिर्फ अपने काम पे फोकस करना शुरू किया है। तो मेरी YouTube फैमिली को मैं ये बताना चाहूँगी अब कि मैं अब डेली के डेली व्लॉगिंग करा करूँगी जैसे मैं पहले करती थी। अब मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, मैं नेगेटिव सोच सोच के तंग हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे नेगेटिव नहीं रहना है। तो मैं जितना भी हो सकता है ना, मतलब टच जैसे लोगों के साथ ऐसे ना बातें करना या कुछ है, मतलब मेरे को बात करनी सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें करनी अच्छी लगती हैं कि हाँ हम चलो थोड़ा मतलब मूड चेंज हो जाता है, कोई हंसी मजाक की बात करिए ऐसे, वो अलग बात है। तो मैं कम ही करती हूँ अब। तो दोस्तों अब मेरा सारा शाम का भी, मैंने पहले दोपहर को सूट कंप्लीट करके दिया है, कस्टमर आ गए थे वो ले गए, उनको सूट पसंद आया है। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी खा रही हूँ, ये दोपहर को लेके आए थे, सहज पानी पी रहा है, पापा बाहर बैठे हैं, उनको दवाई लेके दी थी। तो अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ, दाल बनाई है मैंने तो मिक्स करके बना ली है। तो अब मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। ये देखो दोस्तों मैं ऊपर को देख लूँ, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा है मेरे घर में। तो फिर ना मैं ऊपर की तरफ देख रही थी, ढक के रखना पड़ता है सारा सामान, रात को तो मैं अंदर ही उठा के ले जाती हूँ, चेयर पे रख देती हूँ तो जो भी हमारी दाल सब्जी होती है ना, चावल दाल। पापा के लिए रोटी बनाई थी, पापा रोटी खा चुके हैं, ये है अचार। तो ये है हम। तो दोस्तों सारे दिन की भाग दौड़ इस टाइम पे खत्म हो चुकी है, सारे दिन की। तो अभी हम आराम से एसी की हवा में बैठ के दोनों मां बेटे डिनर करेंगे। और पापा को दवाई वगैरह दे दी है, पापा को बुखार आ गया था फिर शाम को, क्योंकि मैं सुबह से देख रही थी पापा की तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा जो पापा से मैं काफ़ी देर तक पूछती थी, पापा बोल रहे थे कि ऐसी ढीली ढाली सी तबीयत तो लग रही है मुझे। तो फिर शाम को दवाई लेने गए थे, मशीन लेके आई, वो बड़ी बी पी चेक करने वाली, वो बी पी नॉर्मल था। फिर बुखार बोला कि पापा बुखार चेक करवा लेते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर बुखार चेक कराया। तो आज वैसे भी मैं लेट थी रात के खाने में, मैंने सूट कंप्लीट किया है जो मैंने बनाना था, किसी का पकड़ रखा था मैंने, मेरा आड़ी हिला गई वो पाया। इसके फ्रेंड है ना, उसकी मासी जी ने सिलवाया था सूट मुझसे, तो उन्हें पसंद आया। तो दोस्तों अभी हम खा रहे हैं खाना। तो मैं पापा को दवाई दे के आई थी, अभी एक दवाई खाई है, पापा ने 10 बजे खानी है, फिर मैं 10 बजे उठूँगी, क्योंकि मैं 10 बजे तक तो नॉर्मल ही है, मैं जागती होती हूँ। तो पापा को एक बार फिर से दवाई देके आगे आएंगे, 10 बजे तक तो उबारा गद्दी करते हैं। तो अभी दोस्तों 8:15 हो चुके हैं, हम कर रहे हैं डिनर, आइए आप भी हमारे साथ डिनर कीजिए। सो दोस्तों 9 बजे का टाइम है, हमने डिनर कर लिया है ये। सो दोस्तों 9:15 का टाइम हो चुका है, अभी हमने सोना नहीं है अभी भी, क्योंकि 10 बजे पापा ने दवाई खानी है। मैं याद से देखे होंगे पापा को दवाई, तो अभी मैं नहीं सोऊंगी। पापा की तबीयत भी एक दो बार पूछने लगी कि ठीक है अब। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।